खूब सारे परफॉर्मेंस छे। क्या बात है मेमाजा, तुमने तो गुजराती भी सीखी। अब गाना इतना अच्छा हो तो गुजराती कैसे ना आए। चलो अब आगे बढ़ते। वैसे यू नो व्हाट व्हाट आई हैव अ क्वेश्चन। पूछो पूछो। वैसे भी प्यासे को पानी पिलाना, तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देना तो पुण्य का काम है। लेट्स सी। बाय द वे माय क्वेश्चन इज व्हाट इज 6 अप्रैल टू 7। 6 अप्रैल टू 7 नहीं पता। हो गया प्यासे को पानी पिलाना ही तो सही काम है। बाय द वे आंसर इज बिकॉज़ 7 8 9। ओह 7 8 9। 7 माइट बी हंग्री देन। वैसे तुमने कुछ नोटिस किया क्या, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा सब पर कितना खिलता है। कभी न पीवा में बीता जाने का वो वक्त, चेहरे पर मुस्कान थे उसके लंबे बाल थे कंधों तक, अनोखा जो अंदाज था वो उसकी पहचान बना, टीम के कप्तान बने पर वो अपना कप्तान बना, 22 गज का फासला तय करने में सबसे माहिर वो, बस शुरू हुआ तो रन पे रह गया रेखा के बाहर वो, शुरुआत की बोलो करते ऊंचे सुबह शाम से तय, इंदौर अनाज से भी कर लंबा फासला कर लिया तय, शुरुआत तो अच्छी होती थी पर अच्छे अंत ना होते थे, हम 20 से ज्यादा खोते थे फिर डूबे गम में रोते थे, पर ऐसा कुछ विश्वास मिला उससे के होने से, जब तक टिकता था नंबर 7 टीवी बंद नहीं होते थे, बिना सांस की जाने की लड़ाई ले गया वो आखिर में, बार आखिरी करता था वो जादू ही सब चीज से, कोने में खड़ा फिर चुप की साथ खड़े इस तस्वीर में, कितना कुछ बदल गया इन दो रन आउट के बीच में, कौन खिलाड़ी करेगा क्या होगा हम दिलाना जानता था, लड़खड़ाती कश्ती को अंजाम दिलाना जानता था, सनसेट स्कोर को वो सम्मान दिलाना जानता था, और बोनस का किसी सबको करने को तबाह ही जानता था, स्थिति हो जाए कैसी भी खेल उसके मुताबिक चलता था, विकेटों के पीछे भी वो खुद खेल बदलता था, कारण कितनी सी हो कि आज जिस टीम को आपने थी सबका उस टीम से विजय करता था। चेयर भाई माही मार रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चेयरमैन राज एंड मोहम्मद मुजम्मिल और थोड़ा सा मेरे लिए। तो इससे पहले क्वेश्चन अराइज हो आपके दिमाग में कि अब हमारा क्या काम है, तो हम सबका एक ना एक रोल यहाँ पे म्यूजिकल साइड में सेट किया गया है, आपका रोल है एंटरटेन होना और हमारा रोल है एंटरटेन करना, तो आपको चिंता नहीं करनी, चिंता हमारे पास की है। चल भाई एक गेम खेलते हैं। आते ही गेम? हाँ भाई। कैसा गेम? चल नीचे उतरना पड़ेगा एकदम ऑडियंस के पास। ऑडियंस के पास। ओके ऑडियंस रेज योर हैंड इफ योर फेवरेट कलर इज येलो। अरे सचिन झूठ मूठ कभी उठा दो, जोक खराब हो जाएगा, जोक खराब हो जाएगा, उठा दो उठा दो, इसीलिए पूछ लेते हैं अपने बड़े भाई साहब। अच्छा जैसा कि आपने बताया कि आपका फेवरेट कलर येलो है पीला, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आईसीसी 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हुआ या फिर पहले। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुमने आईसीसी का मैच इसलिए नहीं बंद किया था क्योंकि तुम्हें लगा था सीएसके वर्सेस एमआई का मैच हो रहा है और धोनी वापस से आईपीएल का बना रहे थे। मैं नहीं झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। एक्चुअली यू नो व्हाट, वी आर इंडियंस और हम इंडियंस हैं ना, कुछ चीजों को बहुत एक्सपर्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल पराठे, ममता एंड क्रिकेट। सो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो इतनी एक्सपर्ट हुई कि हमारे अलग कैटेगरीज बन गए क्रिकेट को देखने वाले। सबसे पहला कैटेगरी जितने चाहे वो कुछ समझ नहीं आता, वो 3-4 साल के छोटे छोटे बच्चे नहीं होते समझ प्यार भगवान का रूप कहते हैं, हाँ तो ये बेचारे इसी कैटेगरी में आते हैं। ये क्रिकेट इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि माँ बाप ने मना कर दिया खो-खो में छोटा भी लगाने से, क्योंकि ऐसा कोई चारा है नहीं। एक ही एक प्यारा सा बच्चा मेरे पास आके कहता है, भैया आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मैंने कहा विराट। सामने से रिप्लाई आता है, विराट बढ़िया प्लेयर है बट कोहली मेरा फेवरेट है। उस दिन पता चला इन्हें भगवान का रूप क्यों कहते हैं। फिर आता दूसरा कैटेगरी, यू नो व्हाट, महाभारत के बारे में सबको पता है बट ये दूसरे कैटेगरी पर स्पेशल बच्चा है। अकॉर्डिंगली जिस बच्चे के पास ना ही बॉल होती है ना ही बैट होती है उसको बना दीजिए अंपायर, ताकि बॉल नाले में गई तो एक टप मार के साफ करेगा। इनको लगता है ये वही अंपायर है, ये भूल जाते हैं इन्होंने आज तक अपना टेक्स्ट बुक जितना नहीं पढ़ा है उस अंपायर ने क्रिकेट को उतना पढ़ा था। पर फिर आता है तीसरा कैटेगरी द मोस्ट डेंजरस वन, और ये वाला ना इसका फेवरेट है क्योंकि ये बेचारा उसी कैटेगरी में आता है। ये वो लोग होते हैं जिनको लगता है अगर विराट की जगह ये होते तो आज इंडिया फाइनल जीत चुका होता। अकॉर्डिंग टू देम मिड ऑफ में शॉट मारा, अरे नहीं भाई मिड ऑफ में मार तो ज्यादा बढ़िया होता। रोहित ने 6 मारा कोई बात नहीं,
सिक्स उधर लेगा उधर डलता है तो आठ रन देते हैं, मतलब कुछ भी हो रहा हो, बॉलर ने बॉलिंग कितना बुमराह यॉर्कर ने भाई पेस पे मारता ज्यादा बढ़िया होता, इनको हर चीज में कमी निकालनी होती है, पर फिर आते हैं ऐसा क्या कैटेगरी जो सबसे हटके होगा कमेंटेटर्स कैटेगरी नंबर 2.5 बेचारे ना अच्छे प्लेयर बन पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं तो फिर ये कमेंटेटर्स बन जाते हैं। और भाई साहब पता है दो दिन पहले ऊर्जा का मैच था और उसमें मैं कॉमेंट्री कर रहा था तो समझ सकते हो मैं किस कैटेगरी का, पर भाई इतना तो बात हो गया, कुछ अपने बारे में बता। हाँ बताते हैं, कुछ हफ्ते पहले 7 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, मेरे घर से 2 सोन पापड़ी का पैकेट आया था, मैं बहुत खुश था, पर मैं ये भी जानता था अगर इसे हॉस्टल में खोला छोड़ा तो इसका सरे आंसू के सभी साजिश के तहत कत्ल हो जाएगा, इसलिए मैंने सोन पापड़ी के डब्बे को कुछ इस प्रकार अपने जैकेट में छुपाया और दबे दबे पाव से अपने लॉकर में लॉक कर दिया, पर ऐसा करते हुए मुझे चंद दोस्तों ने देख लिया इंक्लूडिंग राज। मैं डिनर के लिए नीचे गया, इनका ऊपर में ही डिनर चल रहा था, मैं तेजी से दौड़ के आया, खैर छोड़ो खा लिया ही होगा, बेड पे डिब्बा पड़ा हुआ था सोन पापड़ी का, मैं गया और वहां पे ये लोग गाना गा रहे हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं बहुत खुश लगता मेरे लिए कोई गिफ्ट है, मैंने डिब्बा खोला उसके अंदर से कागज का टुकड़ा मिला और उसमें वो लिखा हुआ था, रुकिए मैं बताता हूँ, सोन पापड़ी का खाली डिब्बा अपनाएं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बारे में भी कुछ बता। एक्चुअली यू नो व्हाट, मेरा हॉस्टल मैनेजर बड़ा बहुत ही बढ़िया रीजन है, मैं दिन बैटमैन देख रहा था तो मुझे लगा हर आदमी जो माँ बाप से दूर रहता है उस स्टिग्मा मेल माचो मैन पर, मुझे लगा ऐसे लोग दुनिया पलट सकते हैं, मुझे नहीं पता था मेरी जिंदगी पलटने वाली हॉस्टल में, मैं हॉस्टल में आने से पहले मैं बताता हूँ एक्चुअली हम सबका एक ना एक ऐसा टॉपिक एक ना एक ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है जिसमें हमें बिल्कुल मजा नहीं आता, टीचर कितना भी अच्छे से पढ़ा ले हम नहीं सुधरने वाले, मैं ऐसे क्लास में क्या कर रहा था, काश यहाँ टेररिस्ट अटैक हो जाए, निंजा हथौड़ी ने जो शक्तियां दी है उसका इस्तेमाल करके सारे टेररिस्ट खत्म, भारत रत्न से पुरस्कारा जाएगा, इंडिया 13 करोड़ रुपए देगी, मैं सोच रहा था 13 करोड़ में से 7 करोड़ का इस्तेमाल करके एक रोल्स रॉयस खरीदूंगा, डेली स्कूल रोल्स रॉयस, सारे दोस्त चलेंगे और बाकी स्टॉक मार्केट में, मेरा यही दिमाग था। और हॉस्टल रखने से मैं पता क्या सोचा था, 24 घंटे में 26 घंटे पढ़ाई होगी, 26 घंटे में पढ़ूंगा, एक साल का सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट और अगले साल का सिलेबस अगले 6 महीने में कंप्लीट। मैं हॉस्टल आया मुझे पता चला एक दिन नहीं उठना होता 5 बजे, ये लोग डेली 5:30 बजे उठाते हैं, अब आप इमेजिन करो आप मीठे मीठे सपने देख रहे हो, आप आराम से सो रहे हो, अब बीच में कोई आता है बोला जल्दी उठो जल्दी उठो, अरे उठ कैसा लगेगा, हमें भी ऐसे ही लगता है सुबह सुबह 5:30 बजे उठाया जाता है, बट पढ़ाई लोग सोचते हैं हॉस्टल में पढ़ाई नहीं होती, नहीं भाई बहुत होती है, बट उसके साथ एक बार चीज होता है वो होते हैं सपने, और हम लोग एक्चुअली चक्कर भूल जाते हैं कि सपने ना ही सो कर पूरे होते हैं ना ही खो कर पूरे होते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, हम दोनों पढ़ाई के समय भाई AIR1 IMS BMW दे जाते हैं भाई, विशाल तो हाथों में मिठाई खिला रहे होंगे, सुधांशु का शाबाशियां दे रहे होंगे, हम लोग भूल जाते हैं पढ़ना होता है और फिर ऐसे आदमी कहते हैं कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, बट भाई चलो हॉस्टल लाइफ तो बहुत हो गया भाई, एक शेर याद आया, शेर याद आया, हाँ भाई भाई दिस इज स्पेशली फॉर बॉयज ओनली, इरशाद इरशाद बोल ऑडियंस, दिल के टुकड़ों को बटोरने का वक्त नहीं है, बाबा बाबा दिल के टुकड़ों को बटोरने का वक्त नहीं है और जमाना कहता है तू लड़का तेरे पास रोने का हक नहीं है, बाबा बाबा ये थे हमारे टीचर के सबसे शायर, हमारे बजट में नहीं आता वरना गुलजार को ही बुलाते, चल भाई अभी कितना बात हो गया ऑडियंस कुछ बताते हैं, अच्छा गवर्नमेंट एक गेम खेल जाएगा, गेम का रूल नहीं बताऊंगा,
सबसे पहले बताइए कितने बच्चों का नाम यहाँ ए से स्टार्ट होता है, कितने कितने पेरेंट्स है बच्चों और नीचे हाथ रखो, कितने कितने पेरेंट्स है जिनके बच्चों का नाम ए से स्टार्ट होता है यहाँ पे? ओ सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, अपने बच्चे का नाम। राजीव रंजन, अंजनी और अस्मिता। बड़ा ही प्यारा नाम है। ठीक है, अच्छा अब आएगा मेन गेम, क्योंकि आपने हाथ उठाया ए में, अब आपको एक गाना गाना है जो ए से स्टार्ट होता है। सर आपको गाना गाना है, कम ऑन ए से। कोई सा नहीं चलेगा, आप ई से निकाल लीजिए, हम लोग जानो लोग कौन सा आता है। देखो ए से नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, बट चलेगा। अगर आपका परिवार भी यहीं पर है तो मैं कुछ कहना चाहूंगा, आप मुंबई आ रहे हैं भाई। सुन एक काम करते, आर से कुछ कितने बच्चों का नाम है? आर से कितने बच्चों का नाम है? मेरी मम्मी हाथ नहीं उठाओ, हाथ उठाओ मेरा नाम राज है, हाथ उठाओ। हाँ चलो, मैं अपनी मम्मी से गाना गाऊंगा। माते आपके सामने कोई गाना गाइए। नमस्ते आंटी। कोई सा भी गाना चलो, कि आर ही से कोई सा भी चलेगा, आर से कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं एंकर, इतना तो चलेगा। कोई सा भी, मैं हाल ही गोवन तुम बिन क्या है जीना, ये गाना मेरे लिए था। तालियां, मेरे पेरेंट्स का टैलेंटेड है आज पता चला। ओए और सर कम ऑन वन सॉन्ग प्लीज, ऑडियंस डिमांड। जहाँ से हो के गुजरी है हमारी सारी चालाकी, वहीं पे खो के गुजरी है तुम्हारी और मेरी रात में, बस फर्क इतना है तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। गुलजार की शुरुआत का यह सुधांशु सर है हमारे पास। Such an extraordinary and lovely performance. You may proceed now. तुम लोग सब कर लोगे तो हम लोग क्या करें थे? तुम लोग सब कर लोगे तो हम लोग जाते हैं फिर? अरे नहीं नहीं जाना क्या? गेट नंबर दो से। तो जाने से पहले एक बार हमारे लिए जोरदार तालियां, ऑडियंस मजा आ गई नहीं? बस यही सुनना था, अभी सबर खत्म नहीं हुआ, हम आने वाले हैं, बस तब तक थोड़ा सबर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद।